मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। When a charge particle enters in magnetic field, it is acted upon by a force given by F is equal to Q V cross B। बेटा जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर इतनी फोर्स लगती है क्यू वी क्रॉस बी, जिसको हम ले सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। direction of force is given by Fleming's left hand rule। Fleming's left hand rule क्या है बेटा? ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो। फोर फिंगर किधर हो? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और मिडिल फिंगर हो direction of motion of positive charge। तो थंब जो होगा, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब से हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगा। ये बेटा करके देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब अंदर, और कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है। चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखो मेरा हाथ देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली उंगली अंदर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो फोर्स कहाँ आ रही है? ऊपर। तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगी। और देखते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे, तो फोर्स इधर आ रही है, तो इधर लगेगी फोर्स। इस केस में ऐसे लगेगी। अब देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अच्छा ध्यान रखना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बता रहा हूँ मैं सभी। पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे अंदर आ रहा है, तो कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है मतलब कॉपी में से बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल ये है, चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो फोर्स इधर आ रही है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगी। ये सब पॉजिटिव चार्ज के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन आए इधर, इलेक्ट्रॉन, तो पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही कर लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, तुम्हारी फोर्स ऊपर आ रही है, लेकिन हम फोर्स नीचे मार्क करेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज अपोजिट, या इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, फॉर इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट टू वॉट कम्स बाई रूल, जो रूल के हिसाब से आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फोर्स ऊपर आ रही है, लेकिन हम लेंगे नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए आंसर उल्टा करना पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। फोर्स जो होती है वो वी के परपेंडिकुलर भी होती है, और फोर्स जो है वो बी के परपेंडिकुलर भी होती है। ये क्वेश्चन आता है, कौन से दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है फोर्स? तो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। देखो ये फोर्स है, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, फोर्स और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं केस 1, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखी है, चार्ज पार्टिकल इधर ही आ रहा है, तो बेटा थीटा 0 नहीं हो गया? थीटा 0 हो गया, तो एफ हो गया क्यू वी बी साइन 0, तो फोर्स हो गई 0। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करेगा, वेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज 0, कोई फोर्स नहीं लगी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात चल रही है केवल ये, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। अब देखते हैं बेटा केस 2, वेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, जैसे अभी किया था 90 डिग्री पर, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल ऐसे आया अंदर, तो बेटा जब चार्ज पार्टिकल ऐसे अंदर आएगा तो फोर्स ऊपर लगेगी, तो फोर्स ऊपर लगेगी तो वो ऊपर की तरफ घूमेगा, तो डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो ऐसे करते करते फोर्स जो है फिर इधर डायरेक्शन ले लेगी, डायरेक्शन फोर्स का इधर हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन फोर्स का इधर हो जाएगा। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फिर डायरेक्शन चेंज होते 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 ये इसमें से बाहर निकल आएगा, मतलब जैसे जब इधर जा रहा होगा, जब इधर जा रहा होगा तो फोर्स इधर होगी, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दस चार्ज पार्टिकल, दस चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ में जो फोर्स चाहिए होती है घूमने के लिए उसे कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर रख देंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रिपिटल
फोर्स के बराबर रख दिया, एंगल 90 है। तो सॉल्व करके आ रहा है बेटा क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये फॉर्मूला आ गया, रेडियस जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस बड़ा होगा। और फॉर्मूला भी आ सकता है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है तो पी अपॉन क्यू बी। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हम रिलेशन जानते हैं, मोमेंटम होता है रूट टू एम के, तो रूट टू एम के काइनेटिक एनर्जी है अपॉन क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होती है, और वर्क और वोल्टेज में रिलेशन होती है चार्ज इनटू वोल्टेज। काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये चार फॉर्मूले बन गए रेडियस के, अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टू पाई आर बाई वी। तो टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई आर की जगह रख देंगे एम वी बाई क्यू बी डिवाइड बाई बी, तो टाइम पीरियड हो गया टू पाई एम अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आ रहा है, टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आ रहा है। मतलब ये है चाहे किसी भी वेलोसिटी से एंटर करे टाइम उतना ही लगेगा। हुआ क्या, जब वो ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी पाथ की। तो ज़्यादा लेंथ ज़्यादा वेलोसिटी, टाइम पीरियड उतना ही लगना है, टाइम पीरियड उतना ही लगेगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। केस थ्री देखते हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट सम एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं वी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए तो कोई फोर्स नहीं लगती, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन वी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है वी साइन थीटा इधर है, तो फोर्स ऊपर लगेगी, यानी चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो बेटा दो काम करेगा ये, ऊपर भी जाएगा वी कॉस थीटा से और सर्कुलर मोशन करेगा वी साइन थीटा से। तो इट विल मूव लाइक दिस, चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन भी करेगा और ऊपर भी जाएगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी करेगा ऊपर भी जाएगा, दोनों काम करेगा। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है वी साइन थीटा की वजह से, और कॉस वी कॉस थीटा की वजह से ऊपर जा रहा है, तो इसका रेडियस निकालेंगे क्या होगा। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स सम एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड वी डू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी डू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकॉज ऑफ वी साइन थीटा इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, मूव्स इन सर्कुलर पाथ एंड बिकॉज ऑफ वी कॉस थीटा इट मूव्स अपवर्ड। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, क्यू स्पीड है वी साइन थीटा बी और एंगल है 90, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी क्यू वी साइन थीटा बी। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स को सेंटीपेटल फोर्स के बराबर रख रहे हैं, सेंटीपेटल फोर्स होगी एम वी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन आर। वी साइन थीटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वी साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है,
दोनों फोर्स इक्वेट कर दें, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन आर, तो आर आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, आर आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब बेटा टाइम तो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा सर्कुलर पाथ का, 2 पाई m बाई क्यू बी। अब देखिए ये जो पाथ है, इस पाथ को जैसे ऊपर भी जा रहा है घूम भी रहा है, ऊपर भी जा रहा है घूम भी रहा है, इस पाथ को हेलिकल कहते हैं, और दो सर्कल्स के दो टर्न्स के बीच की दूरी को हम कहते हैं पिच। बेटा ये दो टर्न्स के बीच की दूरी है, इसे कहते हैं पिच, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना ऊपर जाएगा उसे कहते हैं पिच। तो पिच क्या है? डिस्टेंस मूव अपवर्ड, डिस्टेंस मूव अपवर्ड बाई पार्टिकल इन वन रोटेशन या इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना ऊपर जाएगा उसे कहते हैं पिच। तो पिच जो है मतलब एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में जो गैप है उसे कहते हैं पिच। तो किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? वी कॉस थीटा, और एक टाइम पीरियड में कितना ऊपर जाएगा? इंटू टी, तो वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये पिच आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी, कंपेयर रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। तो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल। देखो प्रोटॉन के लिए क्या याद करते हैं, ये याद कर लो, नीचे वाले तो बेटा चार्ज का रेशियो है और ऊपर वाला जो है मास का रेशियो है। तो प्रोटॉन का मास 1 होगा, तो न्यूट्रॉन का मास 2 होगा और अल्फा का मास 4 होगा। प्रोटॉन पे चार्ज 1 है तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 1 होगा और अल्फा पे 2 होगा। तो कह रहा है सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ले लेंगे, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू, तो आर ऑफ प्रोटॉन, आर ऑफ न्यूट्रॉन, आर ऑफ अल्फा, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का चार्ज, अल्फा का मास, अल्फा का चार्ज। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1:2:2। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, कंपेयर रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। ऑल्सो कंपेयर देयर टाइम पीरियड। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लेंगे,
तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला कौन सा है? आर इज इक्वल टू रूट 2 m k अपॉन qb। तो हम कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू रूट एम अपॉन क्यू। बेटा बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, मैंने हटा दी। अब मैंने आपको याद ही कराया था, प्रोटॉन के लिए ये याद करना है, न्यूट्रॉन के लिए ये, और अल्फा के लिए ये। तो नीचे वाले चार्ज के रेशियो हैं, ऊपर वाले मास के रेशियो हैं। तो आर ऑफ प्रोटॉन, आर ऑफ न्यूट्रॉन, आर ऑफ अल्फा आ जाएगा तुम्हारा √1/1 रेशियो √2/1 रेशियो √4/2। तो आ जाएगा 1:√2:1। सिमिलरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 πm/qb। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू है, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू है। तो टाइम ऑफ प्रोटॉन, टाइम ऑफ न्यूट्रॉन, टाइम ऑफ अल्फा। प्रोटॉन का जो मास 1 है, चार्ज 1 है, न्यूट्रॉन का मास 2 है, चार्ज 1 है, प्रोटॉन जो अल्फा का मास 4 है, चार्ज 2 है। तो ये आ जाएगा 1:2:1। ये दो आंसर आ गए।